के साथ करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर को एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एयर टर्मिनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां एयर टर्मिनल का आज शुभारंभ होना है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 500 करोड़ की लागत से बना ग्वालियर एयर टर्मिनल, जो कि आज ग्वालियर की जनता को सौंप दिया जाएगा। 16.5 महीने में बनकर ये तैयार हुआ है। 15 दूसरे हवाई अड्डा परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास आज किया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी संबल योजना की राशि का भी वितरण करने वाले हैं। तो हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि वितरित की जाएगी। नवीन जिला न्यायालय परिसर भवन का भी लोकार्पण होगा। दोपहर 3 बजे अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया और जबलपुर के डुमना एयर टर्मिनल समेत 16 एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास आज करने वाले हैं। तो बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को आज मिलने जा रही है। विमानतल हवाई अड्डा है वो, ग्वालियर का नहीं वरन मध्य प्रदेश का नहीं, राष्ट्र का नहीं, पूरे विश्व स्तरीय ये हवाई अड्डा बना है। मात्र 365 दिन में विश्व का द्वितीय विमानतल जो बनाया है, ये वाकई में विकास की, प्रगति की, उन्नति की ये बुनियाद रखेगा। विकास का भी, प्रगति का भी, उन्नति का भी, और पर्यटन के लिए भी एक नींव का पत्थर ग्वालियर के लिए साबित होगा। और ग्वालियर अब संवर रहा है, विकसित हो रहा है। और धर्म